हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू अर चैनल किचन सलामत आज मैं बनाने वाली हूँ होम मेड बाउंटी बार्स यानी कि होम मेड कोकोनट बार्स तो चलिए इस रेसिपी के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे आपको बताऊंगी टू कप्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप ऑफ कंडेंस मिल्क टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट या आपके पास इससे कम स्वीट वाले हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वीडियो स्पेशली किड्स के लिए है डेडिकेटेड टू किड्स अगर बड़ों को भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय करिए यहाँ पे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं चॉकलेट्स को क्यों ना आप घर पे ही बना के लोग को सर्व करें आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं यहाँ पे मैं कोकोनट का जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये डेसिकेटेड कोकोनट है बहुत ही बारीक है मेरे पास तो आपके पास ऐसा कोकोनट नहीं है तो आप जो भी ग्रेट करेंगे तो उसे थोड़ा सा ग्रैंड कर लीजिए तो उससे आपका ये टेक्स्चर आ जाएगा तो अब मैं यहाँ पर लूँगी एक छोटा एक बोल इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क अब हमें बार्स के लिए जो मिक्सचर रेडी करना है तो मैं वो बनाने जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क अब फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट मुझे ग्रेजुअली ऐड करना है अगर मैं एक साथ ऐड करते जाऊँगी एक साथ ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये मिक्सचर को बनाने के लिए एकदम कंट्रोल नहीं रहेगा तो मैं इसलिए इसे ग्रेजुअली ऐड करते जाऊंगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी तो आप भी प्लीज़ इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करिए इस प्रोसीजर को फॉलो करिए सो दैट एकदम से थिक ना हो जाए जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए आपको वैसी नहीं मिलेगी तो इस तरह से करेंगे आप मैं जैसा बता रही हूँ तो आपके तो मिक्सचर को बनाने के लिए भी अच्छे से कंट्रोल रहेगा आप उसके हिसाब से या ज़्यादा कर सकते हैं तो मैं फिर अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है हमें ऐसा चाहिए इसकी पहचान ये है कि आप ये मिक्सचर रेडी है आप जब समझेंगे कि तब ये एक राउंड सा बॉल बनने के लायक हो जाएगा तो आपको जब अंदाज़ा हो जाएगा कि ये द मिक्सचर इज़ एग्जैक्टली परफेक्ट और ये बार्ज बनाने के लिए रेडी है तो मैं यहाँ पे सारा कोकोनट ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब ये मिक्स करने के बाद मैं ये करूँगी कि मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दूँगी टेन मिनट्स के लिए सो so दैट ये अच्छे से सेट हो जाए अगर आपके पास आ, मिल्क पाउडर है तो आप प्लीज़ इसमें टू स्पून और ऐड कर लीजिए सो दैट आपका बाइंडिंग भी और अच्छे से हो जाए तो मैं टेन मिनट्स के बाद यहाँ पे मेरा मिक्सचर रेडी है अब मैं इसको बार्स बना लूँगी मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल ले रही हूँ और हैंड्स को मेरी ग्रीस कर लूँगी और थोड़ा सा एक बॉल जैसा बना लूँगी पहले हाँ, हैंड में बना कर इसको शेप दे दूँगी बार जैसा शेप दे दूँगी अपने हैंड की हेल्प से ये देखिए इस तरह से मैं इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ आप इसको प्रॉपर शेप अच्छे से आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे शेप दे सकते हैं या तो आप मैं जैसा बना रही हूँ आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप इसको स्क्वायर फॉर्म में या फिर राउंड फॉर्म में भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पे मेरा बार्स रेडी है एक मैं इसी तरह पूरे बार्स बना लूँगी और मैं यहाँ पे बेकिंग ट्रे ले लिया है और उसके अंदर मैं उसके ऊपर से मैं बेकिंग पेपर ऐड करूँगी और फिर सारे बार्स मेरे यहाँ पे रेडी है अब हमें इस बार्स को प्रॉपर शेप के लिए मैं यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट मेरी अच्छे से प्रॉपर शेप आ जाए बार्स की स्केल के हेल्प से ये देखिए इस तरह से मैं बार का शेप दे दूँगी आपकी मर्जी जो जैसा शेप आप चाहे वैसा इसको दे सकते हैं ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे बार की लाइनिंग uh, दे दी है अच्छे से यहाँ पे मेरे सारे बार्स रेडी हैं अब मैं इसे टेन मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी जब तक मैं यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट कर दूंगी विद डबल बॉइलिंग मेथड ये देखिए चॉकलेट इस तरह से होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस अब मैं टेन मिनट्स के बाद यहाँ पे बार्स रेडी है अब मैं इसे वो चॉकलेट में कोट कर दूंगी ये देखिए इस तरह से मैं एक स्पून की हेल्प या फोक की हेल्प से इसे अच्छे से कोट कर लूँगी ये देखिए इस तरह से ये देखिए मैं इस तरह से सारे बार्स को ऐसे ही कोट कर लूंगी चॉकलेट से और फिर मैं वो ट्रे में रखते जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से और जितना भी एक्स्ट्रा है आप जब बेकिंग ट्रे में रखेंगे तो वो सारा एक्स्ट्रा उसमें आ जाएगा और फिर हम बाद में उसे सेट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से अगर आपको इसके ऊपर कुछ मार्क्स देने हैं तो आप स्पून की हेल्प से वो मार्क्स भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं यानी तो फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स अप टू यू अब मैं इसे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए फ़्रीज कर दूंगी और यहाँ पे मेरी चॉकलेट बाउंडी बार्स रेडी है होम मेड चॉकलेट बाउंडी बार्स आर रेडी प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसकी आप अच्छे से कोटिंग देखें कि ये अच्छा से प्रॉपरली कोट हुआ है ऊपर से अगर आप इसे नेक्स्ट डे खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े मज़ेदार लगेंगे आपको तो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी और आप हमारे चैनल को लाइक करे, करे, करें शेयर करें सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे रेसिपीज़ कैसे लगे एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब एंड लीव अ कॉमेंट थैंक यू वेरी मच